गुड मॉर्निंग क्लास 8। सो वी आर इन चैप्टर सम नेचुरल फेनोमेना एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द लाइटिंग कंडक्टर्स। सी व्हाट इज लाइटिंग कंडक्टर। टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम डैमेज बाय लाइटिंग, ए लाइटिंग कंडक्टर इज फिक्स्ड ऑन देम। बेंजामिन फ्रैंकलिन डेवलप्ड द आइडिया ऑफ यूजिंग लाइटिंग कंडक्टर्स टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग्स। ए लाइटिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रॉड एंडिंग इन स्पाइक्स एट द टॉप। द लोअर एंड ऑफ द रॉड इज अटैच टू अ कॉपर प्लेट दैट गोज अंडर द अर्थ एंड इफ लाइटिंग डज स्ट्राइक ऑन द बिल्डिंग इट फ्लोज हार्मलेसली टू द अर्थ थ्रू द मेटल रॉड एंड नो डैमेज इज डन टू द बिल्डिंग। यू कैन सी दिस थिंग्स इन फिगर 14.9, हाउ अ लाइटिंग कंडक्टर प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल टू रिड्यूस द डैमेज फ्रॉम लाइटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी ड्यूरिंग लाइटिंग। अ लाइटिंग स्ट्राइक इज वेरी डेंजरस एंड इट कैन डिस्ट्रॉय एन इंटायर बिल्डिंग और अ ट्री ऑन विच इट स्ट्राइक्स। सो वी नो दैट हाउ प्लस माइनस एंड माइनस प्लस अट्रैक्ट ईच अदर एंड हाउ स्पार्क डेवलप एंड दीज स्पार्क्स कैन डिस्ट्रॉय द इंटायर बिल्डिंग और अ ट्री ऑन विच इट स्ट्राइक। ओके, सो इट इज रियली वेरी डेंजरस एंड इट इज एडवाइसेबल टू टेक शेल्टर इन अ सेफ प्लेस व्हेन यू हेयर थंडर्स। ओके, एंड नॉट टू रिमेन इन एन ओपन एरियाज। ओके, सो यू हैव टू ऑल्सो कॉन्शस अबाउट इट वेन एवर लाइटिंग और थंडर यू हेयर थंडर्स यू नीड टू गो इन अ सेफ प्लेस एंड डू नॉट नीड टू स्टे इन एन ओपन प्लेस। ओके, ए बिल्डिंग स्पेशली वन विथ अ लाइटिंग कंडक्टर इज सेफ। ए कार और बस इज ऑल्सो सेफ। शट द विंडोज ऑफ द व्हीकल्स। टेकिंग शेल्टर्स अंडर अ ट्री इज नॉट सेफ। एज लाइटिंग कैन स्ट्राइक ऑन ट्री यू आर फोर्स टू टेक शेल्टर अंडर अ ट्री। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन फॉरेस्ट चूज अ शॉर्ट ट्री। ओके, एन ओपन प्लेस इज नॉट अ सेफ प्लेस टू बी इन स्पेशली इफ इट इज एलिवेटेड। ओके, एंड इफ इन एन ओपन प्लेस स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज एंड पोल्स एंड इफ यू कैन नॉट फाइंड माई एनी सेल्डर्स स्क्वाट लो ऑन दी ग्राउंड। ओके, आई रिपीट, स्क्वाट लो ऑन दी ग्राउंड। ओके, एन ओपन प्लेस इज नॉट सेफ प्लेस टू बी इन स्पेशली इफ इट इज एलिवेटेड। ओके, इफ इट इज एलिवेटेड सो एन ओपन प्लेस इज नॉट सेफ। ओके, प्लेस टू बी इन। ओके, एंड इफ एन ओपन प्लेस स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज एंड पोल्स इट यू इफ यू कैन नॉट फाइंड एनी शेल्टर स्क्वाट लो ऑन ग्राउंड। ओके, सो बाई दिस वे यू reduce the damage from lighting. Okay, now you prevent. Now let us discuss about the very important topic of this chapter, which is earthquake. Okay, see what is earthquake. Any sudden disturbance below the earth's surface may produce vibration or tremors in the earth crust. I repeat, any sudden disturbance below the earth's surface may produce vibration. ओके, इन द अर्थ क्रस्ट एंड दीज वाइब्रेशन और शेकिंग आर नोन एज अर्थक्वेक्स। इन अदर वर्ड, द शेकिंग ऑफ अ ग्राउंड कॉज बाई सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिजास्टर विच कम आफ्टर आफ्टर मूवमेंट इन अर्थ क्रस्ट। ओके, ड्यू टू शेकिंग ऑफ दी ग्राउंड। ओके, और वाइब्रेशन इन ग्राउंड। ओके, सो दिस वाइब्रेशन कैन प्रोड्यूस अर्थक्वेक्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर पैराग्राफ विच इज एन एनॉर्मस एनर्जी रिलीज बाई अर्थक्वेक्स ट्रेवल्स थ्रू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड सम वेव्स कैन मेक द ग्राउंड
ripple up and down, and some waves can be make ground ripple up and down, while others can shake it from side to side. Each type of wave travels through the earth at a different speed. Obviously, it is very obvious whatever the speed or speed of wave, okay, by which it travel in a medium in a air, they are having different speeds, and the waves generated by earthquake is called seismic wave, and these are recorded by an instrument which is known as seismograph or seismometer. And the characteristics of an earthquake wave can be recorded in the screen of a seismograph, is called seismogram. Okay, so there are 4-5 terminology given in page number 190. Okay, please write down each and every terminologies with their definition. Okay, the magnitude or intensity of an earthquake depends on the amount of energy released and is based on the direct measurement of the size of seismic waves. Okay, so whatever the magnitude or intensity of earthquake, that is totally depend upon what is the total amount of energy released. Okay, and that is based on directly measurement by the size of seismic wave. Okay, so these waves can decide the amount of energy, what amount of energy released. Okay, and then we find out the magnitude or intensity of earthquake. Okay, so this is all about a basic information about earthquake. Okay, and in page number 190, and this instrument is given how to measure it. Okay, and please read this chapter. Okay, in next lecture we will discuss more about it. Okay, and we also find out some cause of earthquakes. Okay, please read book, and this is advisable for class 8. Please do your homework, whatever we are giving you on website, please do it. Okay, and submit your copies in school. Okay, thank you.